हाँ जी योग किससे लगाया जाता है? बाबा ने तो बताया मुझे भी लोग, बाबा ने बोला हमें से याद किया रहना है, योग बोलने से हार्ट हो जाता है। अच्छा, किसकी याद में रहना है? शिव बाबा को पहचानते थे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पहचानते थे? अरे शिव बाबा सुप्रीम सोल को कहा जाता, बिंदु को कहा जाता है। तो जब बाबा को पहचानते ही नहीं थे तो योग कहो या याद कहो, उसे संपूर्ण कहेंगे? वो तो अधूरा है। बेसिक नॉलेज थी कि आत्मा बिंदी है, आत्माओं का बाप परमात्मा बिंदी है, परंतु बिंदु बिंदु आत्माओं का उद्धार कैसे होगा जो पतित बन पड़ी है? ये तो बुद्धि में बैठा ही नहीं कि निराकार को साकार में ही आकर के उद्धार करना है। अगर उनकी बुद्धि में बैठा होता तो यज्ञ के आदि से ही संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखते? मुरली में शिव बाबा के समझाने पर भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर प्रजापिता का टाइटल लगाना जरूरी है। अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं, बाप का नाम भूल गए। ब्रह्मा ही बाप को भूल गया तो बच्चे क्यों नहीं भूल जाएंगे? तो हार्ट फेल हो गया। बाप की याद से हार्ट मजबूत होगा या बच्चों की याद से हार्ट मजबूत होगा? अभी भी ज्ञान इतना विस्तार को पाया हुआ है, इतना सहज ज्ञान हो गया है, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता और दौड़ के कहां चले जाते हैं? उन्हीं बच्चों में जहां बुद्धि का मोह लगा हुआ है मां का, उन्हीं बच्चों की परवरिश में दौड़ जाते हैं। देवान आता है तो बुद्धि देवान की तरफ ही भागेगी। रुद्रमाला का महत्व ही नहीं। जैसे इसलिए ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल नहीं हुआ, सिर्फ उनको फॉलो करने वाले जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बड़े बड़े दादाएं और दीदियां और दादी, उन सबका हाल क्या होता जा रहा है? सबका हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट कमजोर हो गया। याद से हार्ट होना चाहिए पावरफुल, क्योंकि भगवान का महावाक्य है, योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता, और वो भी ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा से मुख से निकला हुआ वाक्य है। ब्रह्मा ने मुख से नहीं निकाला है, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ, लेकिन निकाला किस आत्मा ने? शिव सुप्रीम सोल ने ये वाक्य निकाला कि योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। जिनका हार्ट फेल होता है वो योगी नहीं है, क्या है? भोगी है। अच्छा अच्छा मकान चाहिए, भले भीख मांगनी पड़े, भले दूसरों को बुद्धू बनाना पड़े, भले बातें बनानी पड़े, भले छल छिद्र के काम करने पड़े, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पहनना है, अच्छा
अच्छे से अच्छा घूमना फिरना। तो ये सब भोगियों के काम है। सोफा सेट पे सोना है, और हार्ट फेल होने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। जो भगवान का धंधा छोड़ करके अपने स्वार्थ के धंधे में लग जाते हैं, महलवाड़ियां अटारियां कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनाने में लग जाते हैं, जब आगे चल करके ताबड़तोड़ विनाश होगा, मौत का बाजार लगेगा, तो देखना कितनों के हार्ट फेल होते हैं। और प्रश्न आया है, जो अंत में धर्मराज सबको सजा देंगे, ये तो गलत बात है। धर्मराज सबको सजा देंगे क्या है? सबको तो नहीं देंगे, आठ को सजा देंगे क्या है? आठ को तो नहीं देंगे, तो जरूर आठ ने अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दे दिया होगा। ऐसे तो मुरली में बोला है, अपना पूरा पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों पुरुषार्थियों में से एक है जो पूरा पूरा सच्चा पोता मिल देता है, परंतु उसको फॉलो करने वाले भी छह सात और हैं। होते तो नंबरवार ही हैं। तो पोता मिल देने से आधा तो उसी समय खत्म हो जाता है और आधा याद से खत्म कर देते हैं। कोई ऐसे हैं कि बार बार पोता मिल देते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो आधा माफी होता रहेगा क्या? सो तो नहीं हो सकता। तो धर्मराज बाबा सबको सजा देंगे, प्रमाण सहित सजा देंगे, लेकिन जो अपनी गलतियां बाबा को लिख कर देते हैं और उनका आधा माफ हो जाता है, आधा याद से खलास होता है, तो जो अपनी गलतियां लिख करके बाबा को देते हैं उनको भी धर्मराज सबके सामने सजा देंगे क्या? अब उसमें भी देखा यह जाएगा कि पूरी पूरी बात बताते हैं या कुछ छुपा के बताते हैं। पोता मिल तो दिया और कुछ बातें छुपा ली, जैसे कोई ने पोता मिल दिया नाम छुपा लिया। पोता मिल तो दे दिया लेकिन पोता मिल किसके साथ बना, नाम छुपा लिया, तो कहेंगे पूरा पोता मिल दिया नहीं दिया, स्थान छुपा देते हैं, टाइम छुपा देते हैं, उम्र छुपा देते हैं, तो पूरा पोता मिल तो नहीं हुआ। और फिर पोता मिल देने के बाद फिर अंजाम कर लेना चाहिए कि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है एक बार माफ, दो बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा। बार बार माफ करते रहेंगे क्या? और Thank you.
विष्णु खड़ा क्यों होता है? विष्णु पवित्रता के पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है, सोता नहीं, बैठता भी नहीं, थकता भी नहीं, इसलिए विष्णु को खड़ा दिखाया है। और ब्रह्मा जी तो बैठ जाते हैं और आराम से बैठते हैं, शंकर जी थोड़े अलर्ट होके बैठते हैं लेकिन खड़े तो नहीं रहते, पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहना चाहिए। जैसे ईश्वरीय सेवा के लिए सदैव खड़ा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ऐसे ही पवित्रता के पुरुषार्थ में भी सदैव खड़ा रहना चाहिए। तो खड़ा है, तुम्हें खराब लगता है क्या? नहीं ना? हाँ ठीक है, बैठो। और हाँ जी बोलो बोलो, जगन्नाथ जोर से बोलो, आपस में न समझाओ, बोलो कुछ नहीं। बाबा ने कहा है कि जो विजय माला में है वो रानियां बनेंगी, हैं अभी, बाद में वो एडवांस में आवेंगे। एडवांस में नहीं आवेंगे, एडवांस में आवेंगे ना। विजय माला में जो जाने वाले हैं वो एडवांस में भी आवेंगे ना, और जब एडवांस में आवेंगे उस समय रुद्रमाला तैयार हो चुकी होगी या अधूरी रह जाएगी? है तैयार हो जाएगी, पहले रुद्रमाला तैयार होती है। रुद्रमाला शिव की माला है, शिव बाप की माला है, और बाप राजा ही देते हैं, और विजय माला विष्णु की माला है, विष्णु राजा ही तो नहीं देता। विष्णु माला में आने वाले जो भी मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के पवित्रता के पुरुषार्थ में आगे रहने वाले हैं। तो 63 जन्म जो पवित्रता धारण की जाती है वो सन्यासियों की पवित्रता है या गृहस्थियों की पवित्रता है? सन्यासियों की पवित्रता में आगे है। तो जो सन्यासियों की पवित्रता है वो मनुष्यों की सिखाई हुई पवित्रता है, भगवान जो पवित्रता सिखाते हैं वो बेहद की पवित्रता है। साथ में भी रहो और कर्मेंद्रियां पवित्र भी रहें। पतित पने का लेप छेप न लगे, और सिखाने वाला भी अमोघ वीर्य कहा जाता है, क्योंकि शिव आते ही है शंकर में। शिव की प्रवृत्ति सिर्फ शंकर के साथ है, और आत्माएं वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं अपना सकती। सौ परसेंट जो बाप सिखाते हैं, शंकर की प्रवृत्ति पार्वती के साथ नहीं है,
शंकर पार्वती की कोई जोड़ी भी नहीं है। शिव की जोड़ी किसके साथ है? है? शंकर के साथ है। एक ही मुकर्रर रथ है, वहां से राजाई शुरू होती है। देवता बनते हैं तो राजा बनते हैं, देवी बनेंगे तो रानी बनेंगे। ब्रह्मा सुविष्णु बनते हैं, ब्रह्मा तो माता है ना, ब्रह्मा का टाइटल ही बताता है क्या है, माता है। तो माता बच्चियों की तरफदारी लेती है विशेष, या बच्चों की ज्यादा तरफदारी लेती है? माता को माता का प्यार बच्चियों को ज्यादा मिलता है, बच्चियां माता की ओर ढूंढती हैं और बच्चे बाप की ओर ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। माताएं प्योरिटी के पुरुषार्थ में आगे जाती हैं, तो कन्याएं भी प्योरिटी के पुरुषार्थ में आगे जाती हैं। माताओं में भी कोई मुखिया है तो पुरुषार्थ करने वाली कन्याओं में भी कोई मुखिया है। वो कन्याएं दो प्रकार की हैं, एक है कुंवारी कन्या और दूसरी है अधर कुंवारी, उनको माता कहा जाता है। जो माता कही जाती है वो जगदम्बा है। जगदम्बा भल माता है, परंतु जन्म जन्मांतर के संस्कार पुरुष के हैं, इसलिए रुद्रमाला का मणका बनती है। उसमें भी कंट्रोलिंग पावर है, वो कंट्रोलिंग पावर डायरेक्ट बाप से ली है। स्त्री चोला होते हुए भी अनेक जन्मों में राजा बनती है, और संगम युग में भी लंबे समय के कंट्रोल करने के संस्कार है। बेसिक में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो थोड़े समय कंट्रोल किया, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की भी जो अम्मा है वो तो आगे चल करके लंबे समय तक ब्राह्मण परिवार को और सारी दुनिया को कंट्रोल करेगी। इसीलिए नाम पड़ता है जगदम्बा। सिख लोक में गायन है इस बात का, राज करेगा खालसा। जरूर कुछ पवित्रता धारण की है, वो बाप की याद की पवित्रता है। और तो विजयमाला में आने वाली जो भी कन्याएं माताएं होंगी, जो एडवांस में चलने वाले जो रुद्रमाला की भांति हैं, उनकी माला तैयार हो जाएगी। परंतु वो सिंगल हैं, समान पुरुषार्थ ही उनको नहीं मिले हैं, तब तक राजा बनने की क्वालिटी नहीं कही जाएगी। समान पुरुषार्थी रानियां जब उन्हें मिल जाएंगी, युगल मणके बन जाएंगे, विजयमाला के दाने ऐसे श्रेष्ठ दाने हैं,
जिनका सहारा रुद्रमाला के मणकों को लेना पड़ेगा। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जाएं, तब युगल मेरु मणके के समान बने, तब राजा ही चले। तो युगल तो होंगे, लेकिन युगल होने के बावजूद भी उनमें एक होगा रुद्रमाला का और एक होगा विजयमाला का। जब तक ये युति नहीं बनी है, तब तक पवित्रता के ऊपर बेहद के रूप से विजय पाई जाए ये नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी में आया है साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से भी ऊपर चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाणी कौन से सन की है? 78 की है। उस समय बाबा को शरीर छोड़े हुए 10 साल हो गए। शरीर छोड़ने के बाद वो अव्यक्त बन गए ब्रह्मा बाबा। तो अव्यक्त के 10 वर्ष बताए और साकार के 42-43 वर्ष, अर्थात ब्रह्मा बाबा 68 तक साकार में रहे, 33 साल साकार में रहे ना, तो 33 साल तो वो हो गए। और 69 से राम वाली आत्मा साकार में ब्राह्मण परिवार में आ जाती है, तो 69 से लेकर के 78 तक 10 वर्ष और ऐड कर दिए 33 में, तो 33 इयर्स में 10 इयर्स ऐड किए तो 42-43 वर्ष हो गए। इसलिए बोला कि साकार के 42-43 वर्ष, एक साकार के या दो साकार के है? अरे एक साकार के 42-43 वर्ष, एक पर्सनालिटी के 42-43 वर्ष या दो पर्सनालिटी के 42-43 वर्ष, जोड़ करके है? जोड़ने से एक ही हो गया, दो पर्सनालिटी हुई ना। एक एक दादा लेखराज की पर्सनालिटी, वो 33 वर्ष, और एक राम वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आई, तो वो भी साकार में गिनी जाएगी ना, तो 10 वर्ष वो। तो दो पर्सनालिटीज के साकार के 43 वर्ष, 33 और 10 43 वर्ष, और ब्रह्मा बाबा के 10 वर्ष अव्यक्त के, इतना टाइम पास हो गया जब ये वाणी बोली गई है। बाबा महाकाली जब आएगी तो पहले झाड़ू लगेगा, लेकिन बाबा पहले पहले कहां से झाड़ू लगाना शुरू होगा? अरे डरना नहीं, विशाखापट्टनम से शुरुआत नहीं होगी है? है? नहीं नहीं, वो स्थान से मतलब है उनका, टाइम से मतलब नहीं है, कब से नहीं, कहां से, माने वो स्थान क्या होगा जहां से झाड़ू लगाने की शुरुआत होगी। अच्छा,
दीपावली जब आती है भक्ति मार्ग में, तो झाड़ू बाहर से लगाना शुरू करते हैं, चबूतरे से, दरवाजे से, या अंदर से झाड़ू बाहर की ओर ले जाते हैं? तो जवाब आ गया, पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होगा, अंदर से बाहर की ओर सफाया होगा। अब अंदर क्या और बाहर क्या? अंदर किसे कहें और बाहर किसे कहें? हाँ, रुद्रमाला की ही बात हो रही है। विजयमाला तो बाहर वाले ले जावेंगे, अंदर वाले रह जावेंगे। इसका मतलब झाड़ू बहुतों को लगेगा, आठ ही बचेंगे। कितने बचेंगे? अरे जो नई दुनिया की इकाई तैयार होगी, पहला परिवार की इकाई तैयार होगी, उसमें थोड़े होंगे कि बहुत होंगे? थोड़े ही होंगे। तो जो थोड़े होंगे वो तो बचेंगे, और बाकी कीड़े मकोड़ों को क्या किया जाएगा? झाड़ू निकाल के बाहर किया जाएगा। दो लाख, दो लाख एकदम तैयार हो जाएंगे? और तो धीरे धीरे, तो थोड़े पहले तैयार होंगे, थोड़े का संगठन बनेगा कि दो लाख का बनेगा? अरे संगठन तो पहले थोड़ों को बनेगा ना, जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो। कितने होते हैं फ्लॉलेस? आठ ही होते हैं। क्यों जीभ क्यों निकाल दी है? डर लग रहा है क्या? आठ बचेंगे और बाकी सब को झाड़ू लगेगा। तो अंदर से झाड़ू लगेगा। अब अंदर क्या और बाहर क्या? अंदर किसे कहें है? अरे पूरा याद में रहने कैसे पता चले कौन पूरा याद में रहते हैं कौन नहीं रहते हैं? है सेकंड सरेंडर वाले अंदर। अच्छा, उन सबको झाड़ू लगेगा। अच्छा चलो, उनमें भी पहले तो किसी को लगेगा। सरेंडर वालों में भी, रुद्रमाला की बात कर रहे ना, एडवांस वालों में भी जो सरेंडर हैं, उनमें भी कोई तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं ग्रुप में, कोई चंद्रवंश के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं, कोई बौद्ध धर्म के बीज हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। क्रिश्चियन धर्म के बीज होंगे तो पुरुषार्थ का दिखावा बहुत करेंगे, अंदर से खोखले होंगे, पोप लीला। क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा कौन होता है? पोप। उसका नाम पोप क्यों रखा गया है? प्योरिटी के मामले में अंदर से बिल्कुल पोप लीला है, बाहर से सफेद सफेद चकाचक कपड़े दिखाई पड़ते हैं। तो कोई तो क्रिश्चियन धर्म के होंगे, कोई मुस्लिम धर्म के होंगे, कोई सन्यास धर्म के होंगे, कोई सिख धर्म के होंगे। तो अंदर से बाहर की ओर कौन होंगे और बाहर से अंदर की ओर किनको कहा जाएगा? अरे इतने इतने ग्रुप हुए धर्मों के, उनमें अंदर वाले कौन हुए और बाहर वाले कौन हुए? अरे माउंट आबू तो रह लो जाके, माउंट आबू रह लो जाके, वो अभी हमला करने वाले हैं। बाप दादा के दिल वाले बच्चे, अंदर वाले कैसे पता चलेगा? दिल वाले कौन है कि दिल पर चढ़े हुए कौन है, दिल से उतरे हुए कौन है? है
अरे दिल पे चढ़े हुए कौन है और उतरे हुए कौन है पता नहीं लगता है। संपूर्ण समर्पण तो किसको कहेंगे, इनमें किसी को कह सकते हैं कि संपूर्ण समर्पण नहीं है? है कैसे पता चले कौन श्रीमत पर चलता है कौन नहीं चलता है? किसी की ओर उंगली उठा के कहा जा सकता है ये नहीं चलता? अपने आप को समझ सकते हैं, तो फिर अपने आप को तो हम अंदर का ही समझेंगे, बाहर का थोड़ी समझेंगे। अरे हैं जो दुनियादारी से मरने वाले हैं उनको अंदर वाला कहेंगे या बाहर वाला कहेंगे? हैं जो दुनियादारी छोड़ चुके, घर वालों की भी याद नहीं है परवाह नहीं, उन्हें ही तो अंदर वाला कहेंगे। तो कौन है वो अंदर वाले? नहीं वो तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा, अभी तो 8 डिक्लेयर ही नहीं हुए हैं। अरे हैं हैं अरे अंदर वाले वो हुए जिनके लिए कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं अब, लेकिन उसकी भी परीक्षा ली जाएगी। ऐसे नहीं एनएस में घुस तो गए लेकिन अंदर से खोट भरी हुई है, तो उनकी जब परीक्षा होगी तो बाहर निकल पड़ेंगे। ऐसा झाड़ू लगेगा जो ठहर नहीं सकेंगे। वो बोला है नई दुनिया का फाउंडेशन, तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो ना, आना जाना करते हो ना, तो कौन सी है वो नई दुनिया जिसका फाउंडेशन लग रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? ऐसे भी आजकल जो मकान बनते हैं उनके चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं? तो ये भी ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हो रही है, चारों तरफ पर्दा लगाया हुआ है, सबको पता नहीं चलता। जो तैयार हो जाएं कि हमें बाहर की दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं, मम्मी पापा देखने को मिले तो ठीक, न देखने को मिले तो ठीक, फोन से बात हो तो भी ठीक, न बात हो तो भी ठीक, हमें कोई दरकार नहीं। तो जो मरेंगे वो काशी नगरी में जाएंगे। अब काशी नगरी को अंदर वाला कहेंगे बाहर वाला कहेंगे? अंदर वाला, लेकिन उनकी पहले परीक्षा होगी। सबसे पहले झाड़ू किसको लगेगा? जब फाउंडेशन पड़ता है मकान का तो नींव खोदी जाती है गड्ढे में, जमीन खोदी जाती है ना, उसमें कंकड़ पत्थर डाले जाते हैं, डालते हैं ना, और जब डाले जाते हैं तो डाल के ही छोड़ देते हैं कि ऊपर से दुर्मुट बजाते हैं, गच। वो है परीक्षा। जो कच्चे होंगे वो टूट के बिखर जाएंगे, जो पक्के होंगे उनका फाउंडेशन और जम जाएगा, हिलेंगे नहीं। ये पहले पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होगा, फिर चंद्रवंशियों को झाड़ू लगेगा। फिर इस्लाम वंशियों को झाड़ू लगेगा। बैठे तो सारे अंदर हैं कि नहीं? हर धर्म के बीज हैं कि नहीं? झाड़ू सबको लगेगा, लेकिन लगेगा नंबरवार। तो यही प्रश्न है।
कि जब झाड़ू लगेगा महाकाली निकलेगी तो अंदर वालों को पहले झाड़ू लगाया जाएगा या बाहर वालों को? पहले अंदर से झाड़ू लगना शुरू होता है। हाँ, माया का राज्य खलास होगा तब बाबा का राज्य शुरू होगा। हाँ, माया का राज्य खलास होगा तो माया दासी बन जाएगी, दासी बनेगी, कृष्ण का जन्म होगा तो सबसे पहले वो दासी संभालेगी कृष्ण को। हाँ जी, और कोई ने लिखा है, हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा। तो क्या जो पेड़ पौधे देखते हैं वो भी खलास हो जाएंगे? परंतु पेड़ पौधे तो सतयुग में भी होंगे। अच्छा, पेड़ पौधे सतयुग में होंगे, क्या मनुष्य नहीं होंगे? तो जो बात मनुष्यों के लिए लागू होती है वही बात पेड़ पौधों के लिए लागू होती है। पेड़ पौधों के भी बीज हैं, मनुष्यों के भी बीज हैं। मनुष्यों का बीज है आत्मा, पेड़ पौधों में आत्मा होती है या नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो पेड़ बड़ा कैसे होता है? उसकी एक जड़ काट दो तो आधा हिस्सा क्यों सूख जाता है? उनमें जड़त्वमयी आत्मा है, उनका भी विनाश होगा। जब सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, तो बर्फ में तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब खलास। वो योगियों के शरीर रह जावेंगे, बाकी सब के शरीर खलास हो जावेंगे। नई सृष्टि शुरू होगी, वो योगियों की आत्माएं फिर अपने अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, नई सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसे ही हर प्रकार के जड़ जीव जंतु में अपनी अपनी आत्मा है, अपना अपना बीज है आत्मा रूपी। मनुष्य ज्यादा बुद्धिशाली है, मन बुद्धि का तीखा है, तो परमधाम में ऊंची ऊंची स्टेज में रहता है। दूसरे जानवरों में कम बुद्धि होती है, वो नीची नीची स्टेज में रहेंगे। कीड़े मकोड़ों में और कम बुद्धि होती है, वो और नीची नीची स्टेज में रहेंगे परमधाम में। और पेड़ पौधे बिल्कुल ही जड़त्वमयी होते हैं, इसलिए उनकी स्टेज और नीची होगी। परंतु हर प्रकार के ग्रुप में श्रेष्ठ भी होते हैं और निष्कृष्ट भी होते हैं। जैसे मनुष्य आत्माओं में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो पहले इस सृष्टि पर उतरेंगी, ऐसे ही और जो जड़ जीव जंतु हैं उनमें भी श्रेष्ठ और निष्कृष्ट हैं। जो श्रेष्ठ हैं वो पहले नीचे आएंगे नई सतयुग की दुनिया में। ऐसे नहीं वहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, होंगे लेकिन कांटे नहीं होंगे, फूल ही फूल होंगे, दुर्गंध वाले फूल नहीं होंगे, सुगंध वाले फूल होंगे। और क्या चाहिए?
सवाल आया है, विष्णु बनने वाली आत्मा को धर्मराज की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? क्या बात है? है? अच्छी बात नहीं है? है? हाँ, अच्छी बात नहीं है? सजा नहीं मिलेगी? तो आठ नंबर में आएगी या आठ के आगे नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि जितने ब्रह्मा होते हैं वो सब ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जितने ब्रह्मा हैं वो सब विष्णु बनेंगे। तो पांच ब्रह्मा हैं तो पांच विष्णु बनेंगे। उनमें एक प्रजापिता ब्रह्मा को तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो असल सूर्य है। उसके सूर्यवंश के सात और को छोड़ दो, वो है ही अष्टदेव। बाकी चार ब्रह्मा बचे कि नहीं? नहीं बचे? बचे तो वो ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? तो बारह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुरली में क्या बोला? आठ को सजा नहीं मिलती है और बाकी सबको सजा मिल जाती है। तो ब्राह्मणों के जीवन में पवित्र होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है या याद करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है? है? याद करना बड़ा पुरुषार्थ है। सन्यासी भी तो पवित्र होते हैं, वो क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते? वो क्यों नहीं स्वाधीन हो जाते? क्यों नहीं राजा बन जाते? तो मुख्य बात है, ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं वो ब्रह्मा जैसी ही गति पावेंगे या ब्रह्मा से ऊंची गति पा जाएंगे? ब्रह्मा से नीची गति पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा को फॉलो करने वाले सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए और रुद्रमाला को अपना ले, जैसे राधा है, कौन से वंश की? चंद्रवंश की। लेकिन क्या करती है अंत में? रुद्रमाला के भांति बन जाती है। सुबह से भूली हुई और शाम को घर आ जाती है, तो भूली हुई कही जाएगी? है? सूर्यवंशी कही जाएगी या चंद्रवंशी कही जाएगी? सूर्यवंशी कही जाएगी। इसलिए लक्ष्मी का पद तो प्राप्त करती है लेकिन स्वाधीन नहीं कही जाएगी। लक्ष्मी किसके अधीन है? लक्ष्मी धन तो देती है। सारी दुनिया लक्ष्मी 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 चिल्लाता है, लेकिन लक्ष्मी को धन कहाँ से आता है? नारायण से आता है। तो अंदर से तो पता है कि हमको धन देने वाला कौन है प्रैक्टिकल में? नारायण। इसलिए जो आदि का पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन का, बेसिक की दुनिया का, वो आधीन रहने का पुरुषार्थ हुआ। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को संदेश नहीं मिला होगा। बड़ी बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियों को, सबको संदेश मिल गया कि भगवान प्रैक्टिकल में साकार में सृष्टि पर है, लेकिन वो हठ योगी है, सन्यासी है, किसी की बात मानने वाले नहीं है। जब उनके सारे जिज्ञासु टूट करके इधर आ जाएंगे तब फिर नाक लटकावेंगे। तो हठ योग का उनको ये सजा मिलती है। क्या? जो सजा अष्ट देवों को नहीं खानी पड़ती, उनको खानी पड़े। और
जो अपना पोता मेल बाबा को लिख कर नहीं देते हैं, बाबा ने कहा लिख कर दो तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं लिख के देंगे, तो हठ योगी की लिस्ट में है या सहज योगी की लिस्ट में है? हट करके बैठे हुए हैं। बाबा तो सहज रास्ता बता दिया, अरे लिख करके दे दोगे तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। कोई रास्ता जा रहा है 50 किलो वजन रखा हुआ है, उसमें से 25 किलो कम हो जाए तुरंत का तुरंत, तो चलना आसान हो जाएगा कठिन रहेगा? आसान हो जाएगा। तो बाबा ने तो आसान सहज तरीका बता दिया, लेकिन मारे अहंकार के हम अमृत वेला खूब याद करेंगे। अरे बैठने से क्या होगा, वो पाप कर्म बार बार याद आता रहेगा, तुम्हें याद ही नहीं करने देगा। पाप का बोझ सर के ऊपर चढ़ा रहेगा, बस लेट गए। जब ज्यादा बोझ चढ़ा हुआ होता है तो नींद आती है। फिर पाप का बोझा उतारने का तरीका सहज बाबा ने बता दिया, लिख करके दे दो। क्यों नहीं लिख के देते, क्यों नहीं देते? नहीं, निश्चय नहीं है कि साकार में भगवान आया हुआ है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। दिल्ली को वरदान है और उसमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है स्थापना के कार्य में। दिल्ली स्थापनाकारी और बंबई विनाशकारी, तो दिल्ली को वरदान है स्थापना के कार्य में, उसमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं या हद में बोलते हैं? बाबा की भाषा तो बेहद की है और बेहद के बच्चे ही उस भाषा को समझते हैं। दिल्ली कोई जड़ दिल्ली की बात नहीं है, बंबई कोई जड़ धरनी की बात नहीं है, चैतन्य दिल्ली की बात है, जिस दिल्ली की गोद में हर धर्म के लोगों ने राज्य किया है। वो कौन है चैतन्य दिल्ली? जगदम्बा है, जिसकी गोद में सब धर्म वाले पले हैं, भले खून की नदियां बहाने वाले हों, नादिर शाह जैसे हों, चांदनी चौक में खून की नदी बहा दी, ऐसों को भी गोद में पाला है। वो जगदम्बा है स्थापनाकारी, तो बेहद की जगदम्बा की बात है, उसका नाम है दिल्ली। गोद में तो लिया सबको, सब बच्चों को गोद में लिया, कोई भी धर्म का है, पच्छड़ माल भी है उसने भी गोद में पालना ली। अम्मा की गोद में तो सब पालना लेते ही हैं, लेकिन अम्मा एक एक के दिल को तो परख सकती है, एक एक के दिल को देख तो सकती है कौन कितना दिलदार है, कौन कितना दिल देने वाला है। तो एक एक की दिल ले ली, नाम क्या पड़ा? दिल्ली। वो बेहद की दिल्ली है,
और बेहद का जगदीश है, हद का जगदीश नहीं, हद का जगदीश हद की पढ़ाई में स्थापना करता है, बेसिक पढ़ाई में, और बेहद का जगदीश बेहद की पढ़ाई की स्थापना करता है। वो है ही जगत पिता और जगदम्बा, जो स्थापना के कार्य में विशेष पार्ट बजाने वाले हैं। बाबा, पार्वती की बेटी को कौशिकी दिखाते हैं, तो बाबा कौशिकी किसका पार्ट है? तो नाम रूप तो बाबा बताते नहीं है, इशारा दे देते हैं। क्या कौशिक कहा जाता है राजा को? कौशिक माने राजा, परंतु स्त्री चोला है, इसलिए उसका नाम दे दिया कौशिकी। किसकी बेटी है? पार्वती की बेटी है। किस अर्थ में? किस अर्थ में पार्वती की बेटी है? सुनने और सुनाने में बेटी है, या समझने और समझाने में बेटी है? है? हाँ, जो कौशिकी है वो राजा का पार्ट है, बल स्त्री चोला है, लेकिन समझ में सच्चाई बैठनी चाहिए। राजा बेटा माने शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे वो ही बनेंगे जो श्रीमत के अनुकूल चलेंगे। श्रीमत के अनुकूल कार्य व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए, ये समझ बुद्धि में बैठनी चाहिए। मूल बात समझने की ब्राह्मण परिवार में कौन सी है जो नहीं समझ में आती है? 70 साल से ऊपर हो गए, वो बात समझ में नहीं आती है। एक आत्मा के सिवाय सबकी बुद्धि में रोला पड़ जाता है, माया रोला में डाल देती है। वो कौन सी बात है जिस बात में 70 साल के बाद भी एक आत्मा को छोड़ करके सब फेल हो रहे हैं? क्या समझने की बात है? निश्चय नहीं है तो रुद्रमाला के मणके कैसे बनते हैं? निश्चय होता है तभी तो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के घर में जाके पैदा होते हैं, बाप की सेवा करते हैं। परसेंटेज हो सकता है, बाकी निश्चय नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। निश्चय तो है, लेकिन निश्चय होने के बावजूद भी माया बुद्धि में बाइलोरा डाल देती है। वो माया के कितने रूप हैं? हैं? नहीं, खास 5 रूप हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें भी मुख्य रूप कौन सा है? काम विकार। तो कौन सा रोला सबसे ज्यादा डालती है? काम विकार का रोला डालती है। कौशिक माने ही राजा, तो काम विकार का ज्यादा रोला जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं उनकी बुद्धि में पड़ेगा, या जो रानियां हैं उनकी बुद्धि में काम विकार का रोला ज्यादा पड़ेगा?
तो कौन सा ऐसा राजा है कि है तो रुद्रमाला का मणका, राजा तो बनता है लेकिन है स्त्री चोला, और इस स्त्री चोले को पवित्रता की बात समझाने के लिए जरूर कोई गुरु चाहिए। गुरु कहो, बाप कहो, रचयिता कहो, वो कौन है? हा? हा, जो गीता माता है, गीता तू सच्ची गीता है, वो झूठी गीता को भी सच्चा बनाती है, अच्छी तरह बुद्धि में बैठाती है। ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है जिसको माथे पर चढ़ा रखा है। किसने? शंकर ने नहीं, शंकर तो है ही बिस्पिन है, उसकी तो बात ही छोड़ो। महाकाली और महाकाली को समझाने वाला कौन है? प्योरिटी की बात महागौरी, महाकाली को कौन समझाएगा? महागौरी समझाएगी। तो जो महागौरी है वो पवित्रता की बात बुद्धि में बैठाने के हिसाब से रचयिता है, उसकी भी अम्मा है। क्यों? पृथ्वी पहले या भारत पहले? भारत माता पहले कहें या जगत माता पहले कहें? है जगत माता पहले, बुद्धि में बात बैठे या ना बैठे? भारत माता पहले। पहले हिस्ट्री देखी जाए तो दुनिया में पहले भारत माता थी, भारत माता का अस्तित्व था या जगत का, जगत माता का अस्तित्व था? जगत माने सारे ही महाद्वीप, तब कहते हैं जगत। सारे महाद्वीप तो द्वापर ही उसे आए ना, उससे पहले सिर्फ भारत ही था। तो भारत माता रचयिता हो गई, उस अर्थ में माता हो गई, उस अर्थ में जगत माता उसकी बच्ची हो गई। और जब असुर सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है, सारी पृथ्वी पाताल में जाती है और काशी नगरी बच जाती है। तो फिर छिटक के कहां जाती है? हाँ? अच्छा अभी पता है तुमको वो छिटक के कहां गई? पता है किसी को? यहां किसी को पता हो तो बताओ। काशी नगरी जो छिटक के चली गई, छिटक गई, और सारी पृथ्वी जो है वो गड्ढे में चली गई। कहते हैं ना, बोल गड्ढे नाथ की जय। कहां चली गई? है पाताल में। हाँ पाताल कह दो, गड्ढा कह दो, बात एक ही है। तो सबकी बुद्धि तो गड्ढे में गई, काशी नगरी बच गई, वो गड्ढे में जाने से बची। तो अभी कहां चली गई? कोई को पता है? अरे पता हो तो बताओ। अभी पता नहीं तो फिर कागज में लिख के देने से कैसे पता चलेगा? जहां गई वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, मर जाओ। क्या करो? मर जाओ तो
तो काशी नगरी में चले जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ चली गई। प्रश्न है, समझा? प्रश्न है, जब असुर सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है, तो छिटक के कहाँ जाती है? अच्छा, अभी काशी नगरी है या नहीं है चैतन्य में? है तो छिटक गई कि नहीं छिटक गई? छिटक गई तो कहाँ गई? अरे कहीं गई होगी कि नहीं गई होगी? है ना। अब बाकी सब कहाँ चले गए? बाकी सब कहाँ नाक रगड़ रहे हैं? बोई गड्ढे में। तो पता लग गया कहाँ चली गई? अरे पता लगा कि नहीं? हाँ नहीं कहेंगे। और अब तो 7 बज गए, बस करो।